अभी नहीं बताएं, अभी नहीं, अभी अभ्यास समाप्त नहीं हुआ है। स्वर्गवाद ऋषियों ने पूछा, प्रभु ब्राह्मण की कथा सुनाई, हम समझ गए भगवान जो कृपा करते हैं उस पर भगवान कृपा करते हैं, जो उनकी शरण में जाता है उस पर करते हैं, जो शरण में नहीं जाता उस पर कृपा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, दो कदम तू मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा, लेकिन पहला कदम तेरा होना चाहिए, मैं सीधे तेरी तरफ नहीं आने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ऐसे भगवान कृपा नहीं करते। द्रौपदी भगवान से नाराज हो गई, ध्यान सुनिए, द्रौपदी भगवान से नाराज हो गई। भगवान भाई हो कितना मानते थे पता है ना द्रौपदी को, भगवान और भगवान द्रौपदी को, तो द्रौपदी नाराज हुई, कहीं भगवान हो कैसे, भगवान हो भाई हो, आपके होते हुए देखते देखते हमारे पति द्यूत क्रीड़ा में सारा साम्राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए और मुझे हार गए, आप देखते रहे। तो भगवान क्या कहते हैं, बहना जितना मेरा अपराध नहीं है उतना तुम मुझे पूछ रही है, डांट रही है, इतना मैंने अपराध नहीं किया है, क्यों कुछ अपने पतियों से। जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरा मामा सपने पास आ फेंकेगा, तब तेरी तरफ से किसी को कुछ कहना चाहिए था कि अगर कोई पांचों में से बोला होता, हे दुर्योधन अगर तेरी तरफ से तेरा मामा सपने पास आ फेंकेगा तो मेरी तरफ से मेरा कन्हैया पास आ फेंकेगा, मैं पास आ फेंकता, फिर देखता कौन जीतता कौन हारता। कुछ किसी से किसी ने मुझे याद किया और जब सारा काम बिगाड़ लिया तब हमें तो कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भगवान को याद तभी आते हैं, काम हम लोग बिगाड़ करते हैं, काम बिगाड़ने के बाद में भगवान की याद आती है तो भगवान को हम लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग समय से पहले भगवान को याद करें तो 100% आप पर कृपा होगी। वही हुआ, ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा किया और जब तक संसार मेरा सुख भोगता रहा, और सुख जी ने कहा इनसे कथा सुनकर किसने कहा आपको प्रेरणा मिली, कथा सुनने पे कहा कोई और प्रेरित हुआ और उनसे कोई प्रेरित हुआ तब क्या हुआ, तो कहा अवश्य हुआ, जब कोई भी कार्य होता है प्रेरणा हर एक व्यक्ति लेता है। दारू पीने वाला व्यक्ति 4-5 लोग बैठे होते हैं तो एक व्यक्ति को शराबी बना ही देता है, शराबी व्यक्ति अपने ग्रुप में किसी न किसी को शराबी बना ही देता है। अरे थोड़ी ले लीजिए, पान खाने वाला 5 खिला देता है, गुड़िया खिलाने वाला 2 दाना खिला ही देता है, तो धीरे धीरे अपने जैसा बना ही देता है। लेकिन फिर जो साधु व्यक्ति है घर धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसको भी यही करना चाहिए, तो होता है कहा जो जैसे संगति करता है वैसा ही मन बनता है। तो कहते हैं भगवान की कथा जब होती है तो किसी न किसी के मन में ये आता है कि हम भी एक दिन घर में पूजा करेंगे, एक दिन टाइम निकाल लें, इनको फोन करेंगे, थोड़ा टाइम निकाल करके पंडित जी को बुला करके एक दिन कथा सुन ही लिया जाए। इसको कहते हैं प्रेरणा। कब हुई? ये जिस दिन आई थी उसी दिन सोची थी कि हम कथा करेंगे। अच्छा, हाँ वही, इसको कहते हैं प्रेरणा। तो जब वैसा माहौल बनता है तो वही प्रेरणा हमें आती है, हमको भी करना चाहिए। तो उसी तरह से सूत जी ने प्रश्न किया, तो सूत जी कहते हैं ब्राह्मण देवता बैठे थे, भगवान की पूजा हो रही थी, उसमें एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ आ रहा, लकड़ी बेचने जा रहा था, प्यास लगी, उस घर में प्रवेश हुआ, कहा जहाँ घर में पूजा हो रही थी, देखा भगवान की दिव्य धूप बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, बहुत सारा प्रसाद चढ़ा है, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हैं और एक पंडित जी बैठ करके भगवान की पूजा करा रहे हैं। किसकी पूजा हो रही है? प्रश्न किया, इस पूजा से क्या मिलता है, किस कौन है भगवान? तो कहते हैं ये जगत पिता है। क्या परिचय दिया इनका? जगत पिता है। आज देखिए इसका परिचय क्यों दिया, जगत पिता वो कहते हैं जैसे कोई एक बच्चा होता है अपने पिता से कोई ना कोई मन्नत मांगने वाली चीज मनवा लेता है, उसके पास कई गुण होते हैं, वो हंस के भय जब नहीं मानता तो रोने लगता है, आखिरकार पिता पूर्ण करता है कामना। बच्चा छोटा है अगर खिलौना मांग रहा है तो पिता को देना पड़ेगा।